क्या आप दूसरों की नौकरियों से परेशान हो या फिर आप कारखानों में काम करके परेशान हो? दोस्तों, आप कारखानों में काम करते हो या फिर नौकरियां करते हो तो आपको हमेशा डर सताता रहता है कि नौकरी से बॉस निकाल ना दे, और बॉस को खुश रखने के लिए तरह तरह की तरकीब अपनाते हो और चाहते हो कि मेरा बॉस मेरे से हमेशा खुश रहे। ये परेशानियाँ हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है तो एक छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रियाज शेख, कॉमन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, छोटा बिजनेस कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको बिजनेस के तौर तरीके मालूम कर लेना चाहिए, और ये भी समझ में आना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो और कौन सा नहीं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ये ज़रूर देख लीजिए कि आप जिस जगह पर बिजनेस शुरू करने जा रहे हो उस जगह पर आगे बढ़ने की उम्मीद है या नहीं। इसलिए दोस्तों, प्लानिंग करके बिजनेस करने से आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। कुछ ऐसे बिजनेस जिनसे आप आसानी से पैसे कमाना शुरू कर सकते हो, जैसे जीन्स टी शर्ट प्लस अंडरवेयर, लेगिंग्स टॉप, बेबी फ्रॉक, फुटवेयर। ये एक ऐसा बिजनेस है आप आसानी के साथ कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। और बिजनेस के रूल्स भी जान लेते हैं दोस्तों। एक इमरजेंसी फंड रखिए ताकि जब आपका बिजनेस घाटे या कम मुनाफे में चले तो आपके हाथ में कुछ पैसे बचे रहे, और उस इमरजेंसी फंड में हर दिन या हर महीने कुछ पैसे जमा करते रहिए। नए बिजनेस में ये जरूरी होता है कि आप बेवजह खर्चों से बचें। बिजनेस शुरू करने के तुरंत बाद उसे मुनाफे की उम्मीद ना रखें, क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस को भी जमने में कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है। बिजनेस के शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, उसे बेवकूफ मत बनाइए। बिजनेस के शुरुआत में आपको मिनिमम प्रॉफिट पर काम करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी जानकारी आपको देता रहूंगा।